ठीक बोला ना, मैं देवरान निकालना है चूल्हा में बैठ क्या चूल्हे में बैठ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस देखिए, ये मेरा फट रखा है, तो रात में ऐसे ही पहना था। तो मेरे हस्बैंड ने दिया हमें बहुत बड़ा सरप्राइज सरप्राइज। कल दिन तक तो ये वहाँ ड्यूटी में थे, बट आज ये हमारे साथ है। और इतनी जल्दी कैसे पहुँचे, ये रात में इन्होंने सफ़र किया था पिथौरागढ़ से आइए, और 2:30 बजे पहुँचे यहाँ। अब 2:30 बजे फ़ोन करते हैं कि गेट खोल, मैंने कह रहे तुम यहाँ पहुँच गए, और इन्होंने हमको बताया भी नहीं। कैसा लगा बाबू तुझे सरप्राइज? क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि आज आने वाले हैं, तो वही शाम तक पहुँचेंगे, बट इन्होंने दिया हमको बहुत बड़ा सरप्राइज। दक्षु आपको कैसा लगा सरप्राइज? और देखा मेरा दक्षु कैसा लगा? दक्षु कैसा लगा? मेरा आपको क्या खाया? दक्षु तो बहुत खुश है, अब उसके पापा आ गए, अब उसके साथ खेलेंगे, क्योंकि दक्षु के साथ उसके पापा ही खेलते हैं। ये तो खेलता नहीं है, ये तो झगड़ा करता है, एक बैट बॉल खेलता है, क्योंकि बैट बॉल के लिए अब खेलने के लिए इसके पास कोई बड़ा इंसान तो है नहीं। तेजस हो गया छोटा, छोटी बेचारी लेटी है, अब एक ही बजे कल तक इसके बीबी चाचा थे तो वो इसके साथ खेल रहे थे, तो फिर से अपने छोटे भाई से काम चलाना पड़ा। क्यों बाबू? इसको अपने छोटे भाई से काम चलाना पड़ा, ऐसा है नहीं? नहीं, मैंने कल तक किया था, इसने मेरा दिमाग बहुत खराब और काम भी नहीं कर रहा था। अब आज इस सुबह से शाम तक बैठेगा अपने होमवर्क में, खेलने से लग गया वैभू। अब आज से तो बेटा पढ़ाई स्टार्ट। मेरे को तो इतने टामे देता था, माँ भी करूँगा, हाथ मुँह धो करके करूँगा, नाश्ता करके करूँगा, और लंच करके करूँगा, और डिनर करके करूँगा। वहाँ दादा ने कहा है कि बिना हाथ मुँह धोए बिना नहीं पढ़ाई नहीं करते हैं, मेरे को तो ऐसे टामे देता था। अब आज से होगी इसकी पढ़ाई स्टार्ट। फिलहाल तो हमने पी लिए चाय, देवरानी बना के लाई थी चाय, तो हमने पी लिए। और काशीपुर में जैसा कि मैंने आपको बताया अभी तक मुझे धूप के दर्शन हुए ही नहीं, इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड। 8 तो ऐसी बज जा रहे हैं अभी भी ये। हाँ, कितना हो गया टाइम? 8:10 हो गया और हम बिस्तर में ही हैं, इतना ठंडा हो रहा है, अभी भी उठने का मन नहीं कर रहा है। और गाइस मैंने नहा लिया है और हो रहा है यहाँ बहुत ठंडा, तो 2 दिन से नहीं नहाया था मैंने, तो मकर संक्रांति के दिन नहाया था, उन दिनों तो लगातार 3 दिन नहाया, फिर मैंने नहाया नहीं था, फिर आज नहाया मैंने। और बिस्तर देख सकते हैं, बिस्तर मैंने उठाया नहीं है, रजाई उड़ रखी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हमने बिस्तर के अंदर ही छुपना है, क्योंकि यहाँ धूप तो आ ही नहीं रही है। और रावत जी भी हमारे नहा के आ चुके हैं, कैसा लग रहा है फिर आपको यहाँ? मस्त मस्त लग रहा है, ठीक तो धूप कितनी अच्छी आ रही है। गाइज इनको यहाँ वैसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके में ज़्यादा रहे हैं, तो इनको वहाँ जाड़ों में इनको वहीं अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी धूप आती है और यहाँ धूप का नामो निशान नहीं है। तो ये अब होने वाले हैं बहुत परेशान, बहुत नाजुक सी कली है, बीमार पड़ जाएंगे। तुमने आज नहाना नहीं चाहिए था वैसे, तेल नहीं है, तेल आई नहीं, ड्रेसिंग की चाबी नहीं लाई मैं, तुम भी नहीं लाए, तो तुमने उसे कहा चाबी लाने करके? ये अभी कह रहे हैं कि तुमने मुझसे कहा, कल इन्होंने फ़ोन किया था, ऐसे चिल्ला रहे थे, क्या मंगाना था फिर तुमसे? कुछ नहीं कहा मैंने, कहा सीधे बैग पकड़ो आ जाओ, इतने बाल निकल रहे, तेल भी नहीं लाए मेरा, तो बोलती तेल तो वहीं पे था, अब ढूंढना मुझे समझ नहीं। और गाइस इनको आए हुए कितने घंटे हुए होंगे, कितने हुए? और आते ही आप करने लगे मेरे से झगड़ा, पिट जाओगे तो मेरे हाथ से अभी, डरो पर तुम पिटोगे क्या? तो फिर मैं पिटते रहोगे क्या? देखा नहीं है 2.5 किलो का हाथ है, ये एक बार पड़ जाता है ना तो इंसान पड़ता नहीं, पड़ जाता है। ये मेरा डायलॉग है, अच्छे से नहीं बोला रहा। तेजू, हाँ तेजू खरगोश बना है, खरगोश है ना, हाय बोल दे, हाय हाय बोल, अभी बोलेगा नहीं गंदा बच्चा, हाय कर, हाय कर। और गाइस अब मैं करती हूँ चाय गरम, चाय पहले बना रखी थी, हमारे यहाँ फ्राई पैन हमेशा फुल रहता है चाय से, क्योंकि पीते रहते हैं वो लोग। और साथ में बना रही है दाल, क्योंकि हम दाल और चावल बनाने वाले हैं आज। और गाइस टाइम देख सकते हैं आप, 11:00 हो रहा है और फिर भी बाहर का मौसम हो रहा है इतना ठंडा।
और बच्चों को इतने ठंड में चैन नहीं है। वैभू ये छोटे बच्चों की साइकिल है बेटा, रहने दे मत कर। वैभू छोड़ दे, कह रही हूँ उसको, इतना दुष्ट है ना ये, छोटे बच्चों की साइकिल चला रहा है। अपनी साइकिल चला, मेरी साइकिल पंचर हो गई। तो हो गया, फिर उसकी साइकिल में क्यों कर रहा है, दक्षु को चलाने दे। इतने ठंड में भी चैन नहीं है इन बच्चों को। ये यहाँ पर सारा सामान इकट्ठा होता है क्योंकि यहाँ पर समरसेबल पाइप लगने वाले हैं, बट पापा जा रखे हैं गांव, तो इसलिए काम जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। पापा के आने के बाद ही काम होगा चालू। यहाँ पर चल रही है छोटे के शॉर्ट्स चल रहे हैं यहाँ पर, बट बना ही नहीं रहा है, उसको हंसाना पड़ रहा है। और गाइस छोटी मार रही है अपने ताऊ जी के साथ गपशप। रात को आया मैं 2:30 पे। नहीं गंदी बात, बड़ा तो हाथ चलाते। छोटी ताऊ अच्छे की ताई अच्छी है, वो ताऊ ने आपकी शादी करते है? तो आपकी दोनों आपकी शादी करते। हमारी शादी तो हो गई। हाँ? हमारी शादी हो तो गई। हाँ, मेरी मम्मी की भी, मेरी शिवानी की भी हो गई। शिवानी की भी हो गई, शिवानी मौसी। अब छोटी की बारी है शादी करने की। मेरी छोड़ी है, अब मैं छोटी की शादी कर रही हूँ। छोटी की शादी नहीं करनी। और गाइस आज फिर से हमारे कुत्ते बनने वाले हैं, तो कुत्ते जो है हमने आस पड़ोस में तो बांट दिए हैं, बस अब मेरे मायके और इसके मायके के लिए बचे। तेरे मायके भी नहीं है ना अभी, तो इसीलिए कम पड़ गए। मेरी फ्रेंड कह रही थी इतने सारे कुत्ते कहाँ के लिए बना रहे हो, तो मीना देख रही होगी। तो गाइस मीना, स्पेशली मीना, हमारे वहाँ बहुत सारे बनते हैं क्योंकि बांटने बहुत जगह होते हैं, और वैसे भी पौड़ी साइड को कुत्ते वगैरह नहीं बनते हैं। तो अब ऐसा भी नहीं कि हम खाली चार चार पाँच पाँच दे रहे हैं, थैली में बहुत सारे देते हैं। गाइस यहाँ पर बन रहे हैं हमारे कुत्ते, और ये वैभू को देखो जरा क्या बना रखा है। इसने देखो तो क्या बना रखा है, वो वहाँ देखो ना वहाँ, अरे इसके हाथ में छोटी ने देखा था कितना बड़ा। और गाइस बन चुके हैं हमारे कुत्ते, तो मैं जला रही हूँ यहाँ पर आग। बहुत सारा कूड़ा मैंने यहाँ पर रख रखा है, कूड़ा मतलब पॉलीथीन वगैरह, कुरकुरे के रैपर्स हो गए, तो उनसे जलाने वाली हूँ मैं आग, क्योंकि यहीं पर तलेंगे हम गुप्ते। सबसे जरूरी पेपर है, देखो पेपर से कैसा जलता है। अभी पॉलीथीन से जल्दी आग पकड़ती है ना, जलता है पेपर लेकिन पॉलीथीन ज़्यादा देर तक रहती है ना पॉलीथीन में आग। देखो पेपर में इतनी जल्दी चले गई। लो कौन आया कहाँ है पतंग? ऊपर नहीं देने वाला पतंग। क्यों? देख ले, होगी तो दे देना, होगी तो दे देगा। कहाँ पर? दे दे। गाइस इतना दुष्ट है ना ये, कह रहा कि मैं नहीं देने वाला बल पतंग, हमारे एरिया में आई है तो हमारी है। गया है छत में भाग करके। और गाइस जल चुकी है मेरी आग, और सर में बांध रहा है परांदा, थोड़ा पहाड़ी लुक में। वो वाली छन्नी देना, झल्लर वाली। अच्छा ला रहे तो है। चावल आटा हुआ खाचे तुम है कभी हो ही पा। Oh,
देख सकते हैं हमारे गुप्ते कितने यमी यमी से दिख रहे हैं, बहुत ही टेस्टी हैं ये, दिखने में ही बहुत टेस्टी लग रहे हैं, तो खाने में तो होंगे ही होंगे। मेरे देवरान निकालना है चूल्हा बटी। पानी में क्या बोलेंगे रे? मेरे देवरान निकालना है चूल्हा में। ठीक बोला ना, मेरे देवरान निकालना है चूल्हा में बे। क्या चूल्हे बे? गाइस यहाँ पर आ चुकी है गर्मा गर्म चाय वो भी बाल मिठाई के साथ, हमारी देवरानी जी बना करके लाई है क्योंकि हमको पता लग गई थी गुप्ते बनाते बनाते, पापा भी अभी गांव से आए हैं तो हमारा लास्ट घाट बचा है। खानी है मिठाई? खानी है? खानी है मिठाई? खानी है? खानी है मिठाई? ये तेरी मिठाई खानी है? इन लोगों का चल रहा है क्रिकेट। सब चीज खाता है, सब चीज स्टार्ट। तो गाइज बन गए हमारे गुप्ते और चाय पानी भी हमारा हो गया है, नाश्ता वास्ता जो भी है शाम का, और किचन के जो बर्तन थे चाय वाई के वो सब धुल गए हैं। तो मैं अभी आई हूँ रूम पर थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। आई तो रेस्ट करने के लिए हूँ बट रेस्ट होगा नहीं मुझे पता है, क्योंकि आप फ़ोन पर देखूँगी रील्स जो हमने आज शूट कर रखी है, तो उसी को मैं अब देखती हूँ और उसके बाद मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। फिर करते हैं हम शाम की तैयारी। अभी शाम की तैयारी में समझ में नहीं आ रहा कि क्या सब्ज़ी बनाएं, देखते हैं। सब्जी कुछ है भी नहीं और कोई जा भी नहीं रहा है शायद लेने के लिए, तो देखते हैं अंदर जो कुछ भी होगा सब चीज़ मिला मुल करके हम लोग बना देंगे सब्जी। फिलहाल तो शाम को ही पता चलेगा कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं, तो तब तक के लिए आपको मेरे साथ व्लॉग में बने रहना पड़ेगा। तो चलिए अभी थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। और गाइस हमने बनाई है आलू मटर की सब्जी, पर सब्जी हमारी खानी नहीं है क्योंकि आधे लोगों को खिला दिया हमने खाना और आधे लोग अभी खा रहे हैं। तो गाइस हो चुका है हमारा खाना पीना और सारा काम भी किचन का हो चुका है ख़त्म, और मेरे छोटे से बेटे को आ चुकी है नींद, तो अब हम भी सोते हैं और कर देते हैं ये वाला व्लॉग एंड। और पतिदेव जी भी आ चुके हैं, पतिदेव जी को लग रही है यहाँ बहुत ठंड, कह रहे इससे बढ़िया पिथौरागढ़ में ही अच्छा था, वहाँ कम से कम धूप तो थी बहुत ठंड हो रहा है तो चले गाइस शुभरात्रि, आप भी सो जाइए। तो करते हैं ये वाला व्लॉग यहीं पर एंड और मिलती हूँ आपसे कल के दिन एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। और हाँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज कर देना सब्सक्राइब। टाटा।